यामाहा MT-15 दोस्तों इंडिया की मोस्ट अवेटेड बाइक में से एक बाइक है, जिसका हम में से काफी सारे लोग पिछले कुछ समय से बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगी और कब ये बाइक इंडिया की सड़कों पर हमें दौड़ती हुई दिखाई देगी। यही एक कारण है जिस वजह से इस बाइक के फोटोज और स्पाई शॉट्स इंटरनेट पर रोजाना वायरल होते रहते हैं। और पिछले कुछ टाइम के अंदर तो इस बाइक के रूमर्स इस तरह से वायरल हुए कि ये बाइक इंडिया में जनवरी में लॉन्च होगी, फिर आता कि फरवरी में लॉन्च होगी, लेकिन अभी तक ये बाइक फिर भी लॉन्च नहीं हुई है। और ये एक बड़ा कारण है इस बाइक की पॉपुलैरिटी का, जो डे बाय डे बढ़ रही है। अब ये बाइक कब लॉन्च होगी इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यामा अपनी इस नई MT-15 को इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है आने वाली 15 मार्च 2019 में। इस बाइक की लॉन्चिंग यामा करने वाली है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और अभी यामा के कुछ डीलर्स हैं जिन्होंने इस बाइक की एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी है। इंजन की अगर हम बात करते हैं तो यामा इस बाइक में आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देने वाला है, जो इंजन अभी हाल ही में आपको यामा की R15 V3 में देखने को मिलेगा। पावर भी वैसी होगी और इसका माइलेज भी लगभग वैसा ही होगा। लोगों का ये भी मानना है और कंपनी का भी कहना है कि R15 V3 का नेक्ड वर्जन है, वो स्पोर्ट्स वर्जन है, ये नेक्ड वर्जन है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। इसी वजह से दोनों का बॉडी डिजाइन और लुक्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, उस बाइक के कुछ फीचर्स इस बाइक के अंदर आपको इंडिया वर्जन में नहीं मिलते हैं। अभी इंडिया में जो लॉन्च होने वाली MT-15 है वो इसके थाईलैंड वाले वर्जन से बिल्कुल डिफरेंट है। बॉडी के लुक्स और डिजाइन में तो सेम है, लेकिन थाईलैंड वाले वर्जन में जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं, जैसे कि इसका अपसाइड वाला जो शोकर है गोल्डन कलर का जो कुछ आता है वो आप देख सकते हैं। ये वाला जो फ्रंट सस्पेंशन है वो इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, इंडिया में आपको सेम R15 V3 वाला टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन ही मिलेगा। तो ये बात तो यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। यहाँ आप इसके इंडिया वाले वर्जन को देख सकते हैं, इसका स्पाई शॉट है, और यहाँ आप देख सकते हैं इसका थाईलैंड वाला वर्जन। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। इस बाइक के जो थाईलैंड वाले वर्जन में एलॉय व्हील्स हैं वो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, यहाँ कुछ डिफरेंट पैटर्न के होंगे, सेम वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक नजर डालते हैं इस बाइक के फीचर्स पे कि क्या क्या फीचर आपको इस बाइक के अंदर देखने पर मिलेंगे। इस बाइक के अंदर आपको जो सेफ्टी के हिसाब से फीचर मिलता है वो है डुअल चैनल ABS। अभी R15 V3 भी लॉन्च की गई है, उसमें भी ये फीचर दिया गया है, तो इस बाइक में भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। फ्रंट हेडलैम्प और टेल लैम्प दोनों ही इसमें LED होंगे और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस बाइक में आपको देखने पर मिलता है इसके पैनल पर। ओवरऑल अगर बाइक के डिजाइन के बारे में बात की जाए तो बाइक का डिजाइन जो है अभी तक इंडिया की 150 सेगमेंट बाइक में सबसे डिफरेंट होगा। इस तरह का लुक और परफॉर्मेंस आपको एक ही बाइक में देखने पर अब तक नहीं मिला होगा जो इस बाइक में आपको मिलेगा। इस बाइक के अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इसके सीधे से कंपैरिजन में आती है पल्सर NS 160, 200, आप कह सकते हैं Apache RTR 160, Apache RTR 180, और इसके अलावा जो बाइक है हॉर्नेट, सुजुकी जिक्सर, आप कंपेयर कर सकते हैं। इतनी सारी बाइक होंगी इसके कंपेरिजन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि इस बाइक के कंपेरिजन में अगर आपको कोई बाइक ज्यादा अच्छी लगती है तो उस बाइक का क्या फीचर है जो आपको अच्छा लगता है। और आपके मन में इस बाइक को लेकर या फिर किसी और बाइक या कार को लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे सीधा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में।